देखिए राजधरवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय बीजेपी को समर्थन देंगे। कुछ ही देर में हेमंता बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे पहुंचेंगे निरंजन राय के पैतृक आवास। निरंजन राय ने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह की राजधरवार में होने वाली सभा में निरंजन राय लेंगे बीजेपी की सदस्यता। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ये जानकारी है कि राजधरवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय बीजेपी को समर्थन देते नजर आएंगे। कुछ ही देर में हेमंता बिस्वा सरमा और शिवराज सिंह चौहान उनके पैतृक आवास पहुंचेंगे और निरंजन राय वहां पर सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। तो देखिए कुंबा बढ़ा है, बीजेपी का समर्थन मिला है राजधरवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय का। कुछ ही देर में हेमंता बिस्वा सरमा, जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी है और असम के मुख्यमंत्री है, वहीं शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री है और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, इनके पैतृक आवास पहुंचेंगे। राजधरवार में होने वाले गृहमंत्री अमित शाह की सभा में समर्थन देते हुए नजर आएंगे निरंजन राय। राजधरवार से निर्दलीय प्रत्याशी है निरंजन राय बीजेपी को अपना समर्थन देते नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे ये संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ रही है, सीधा रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि देखिए, बीजेपी का कुंबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा दिनेश विलियम मरांडी भी बीजेपी में शामिल हो गए और अब राजधरवार से ये निर्दलीय प्रत्याशी है निरंजन राय, उन्होंने भी समर्थन देने की बातें कह दी है बीजेपी को। बिल्कुल अनिश, सुष्मिता देखिए ये बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि राजधरवार से बाबूलाल मरांडी कमजोर पड़ रहे थे और कमजोर पड़ने की वजह निरंजन राय थे। अब निरंजन राय बीजेपी को अपना समर्थन देंगे और इसका पूरा श्रेय देखिए निशिकांत दुबे को जाता है, यानी कि गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे व असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा को जाता है। और देखिए प्रयास भी चल रहा था कि कैसे निरंजन राय जो है वो भाजपा को समर्थन दे। हालांकि देखिए अभी की जो खबर निकल कर के सामने आ रही है कि निरंजन राय के पैतृक आवास में हेलीपैड बनाया जा रहा है और हेलीपैड से ही यानी कि हेलीकॉप्टर से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे उनके आवास पर पहुंचेंगे, उनके पैतृक गांव पर पहुंचेंगे। और देखिए आनन फानन में निरंजन राय ने अपने समर्थकों की बैठक भी बुलाई है, तो समर्थकों के साथ ये बड़ी बैठक कह सकते हैं। और आज जो गृह मंत्री अमित शाह की तीन सभाएं हैं, पहली सभा दुमका में और दूसरा मधुपुर में और तीसरी सभा जो है वो राजधरवार में है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र में सभा होगी और इस सभा में निरंजन राय भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। तो भाजपा की सदस्यता अपने सब पूरे समर्थकों के साथ जब भाजपा की सदस्यता लेंगे तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी का कुनबा जो है वो राजधरवार में भी मजबूत हो गया, यानी कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो और मजबूत हो गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अब वहां से भी कमजोर स्थिति में नहीं है, राजधरवार से भी कमजोर स्थिति में नहीं है अब। और देखिये वो समय होगा, यानी कि आज का दिन बेहद ही खास निरंजन राय के लिए भी कह सकते हैं। निरंजन राय के यहाँ जो बड़े नेता है यानी कि असम के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और ये पूरा श्रेय कह सकते हैं कि निरंजन राय को मनाने में, निरंजन राय को अपने तरफ करने में
ये निशिकांत दुबे का अहम योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। और दूसरा जो बड़ा चेहरा है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा रहे हैं। तो कैसे बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, एनडीए की सरकार बनाई जा सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, उसके लिए हर वो जुगत लगा रही है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं, तो एक बड़ा दाव जो है वो खेला गया है। जी सुष्मिता, बिल्कुल रुचि, आप देखिए धनवार की सीट पर अगर बातचीत की जाए रुचि, तो एक तरफ जहाँ बाबूलाल मरांडी है, दिग्गज चेहरा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी वहां पर प्रत्याशी, वो वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप आईएनडीए की तरफ से देखेंगे तो वहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा था हमें। निर्दलीय प्रत्याशी थे निरंजन राय, उन्होंने अपने समर्थन देने की बातें कह दी है। तो कहीं ना कहीं जो राजधनवार की सीट थी, जो समीकरण वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग है, तो ऐसे में वो समीकरण जो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईएनडीए तो ये स्पष्ट कर चुका था कि वहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन बीजेपी जो अब मजबूती की बात कर रही थी लगातार पिछले कई दिनों से, वो मजबूती भी यहां पर मिलती हुई नजर आ पाएगी रुचि। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रतिष्ठा का सवाल था राजधनवार का सीट, और राजधनवार की सीट के लिए देखिए बीजेपी की भले ही चुनावी सभाएं हो रही हों सारी चीजें, लेकिन निरंजन राय कहीं ना कहीं जो है उन्हें कमजोर करते हुए देखे जा रहे थे। अब जब निरंजन राय बीजेपी के पक्ष में आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये मजबूत स्थिति में होंगे, और अब कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी कि बाबूलाल मरांडी मुश्किल में होंगे, यानी कि वो और भी मजबूत स्थिति में होंगे। और जनता जनार्दन, चूंकि राजधनवार से वो पहले से भी रहे हैं और इस बार भी देखिए राजधनवार से ही वो सीट जीतेंगे, हालांकि जनता जनार्दन तय करेगी 20 तारीख को, फैसला ईवीएम के माध्यम से होगा, यानी कि वोटिंग के माध्यम से होगा। तो देखिए आज जो है, आज ये एक बड़ा फैसला, एक अहम जो निर्णय है वो निरंजन राय के तरफ से लिया गया है, और इसकी पुष्टि तब हो जाएगी जब वो चुनावी सभा में ही, जब गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, जब वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जब वो वहां होंगे राजधनवार में होंगे, तो वही उनके समक्ष ही ये भाजपा की सदस्यता लेंगे, और अपने समर्थकों के साथ, अपने दल बल के साथ वो अब जो है बाबूलाल मरांडी को अपना समर्थन देंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो कह सकते हैं कि निरंजन राय भी एक अहम योगदान, और देखिए ये पूरा क्रेडिट जो है, पूरा क्रेडिट गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जाता है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को जाता है। तो ऐसे में देखिए इस बार कैसे डबल इंजन की सरकार बनाने में, और खास करके चूंकि प्रतिष्ठा का सवाल था, एक साख बचाने का सवाल था बाबूलाल मरांडी के लिए भी, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सीटें, हालांकि टक्कर जो थी वो कांटे की दिख रही थी, लेकिन अब वो कांटे की टक्कर, अब वो जो राह है वो आसान होती हुई दिख रही है बाबूलाल मरांडी के लिए। राह जो है वो आसान हुई है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ये लगातार कह रही थी कि अपने कार्यकर्ताओं को वो मनाने में हमेशा से जुटी रहेगी, और यही एक नजारा हमें लगातार देखने को मिल रहा था। जब हिमंता बिस्व शर्मा भी कई ऐसे कार्यकर्ता जो नाराज है उनसे मिलने के लिए उनके गांव पहुंच रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो मजबूती अब विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलती हुई नजर आए। राजधनवार का एक बार रुख कर लेते, वहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं, श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, धनवार वो सीट जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी तो चेहरा स्पष्ट कर चुकी थी, जहां से कई बार के विजेता भी रहे हैं, दिग्गज चेहरा है बीजेपी से बाबूलाल मरांडी, वहीं दूसरी तरफ आप आईएनडीए की बात कर लेंगे तो यहां पर दो तीन जगह ऐसे थे प्रत्याशी जो फ्रेंडली फाइट बता रहे थे कि यहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय, उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि इनका समर्थन बीजेपी को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस क्या बीजेपी के अंदर बूस्ट अप होगा, जो कहीं ना कहीं पिछले दिनों थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा था। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हिमंता बिस्व शर्मा सीधे और साथ में उनके निशिकांत दुबे मौजूद हैं, जो सीधे पिपिलो स्थित जो निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पूर्व में जो बाबूलाल मरांडी के आसपास के ही माने जाते हैं, उनके काफी करीबी रहे थे, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था और लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, उनके यहाँ पर अब हिमंता बिस्व शर्मा और निशिकांत दुबे उनके आवास पे पहुंचे हैं,
और हेमंता बिश्व शर्मा जिस तरीके से जो कार्यकर्ता थे जो नाराज चल रहे थे, जो पार्टी लाइन से अलग गाइडलाइन पर चल रहे थे, एक एक कार्यकर्ता जो महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के घर हेमंता बिश्व शर्मा जा रहे थे। तो अब ऐसे में ये धुंध जो है वो साफ हो रही है, चूंकि हेमंता बिश्व शर्मा और निशिकांत दुबे पहले भी निरंजन राय को मनाने यहाँ पे पहुंच चुके थे और आज फिर से हेमंता बिश्व शर्मा के साथ आए हैं। निश्चित तौर से मनाने की कोशिश है, वापस कहना है इनका कि वापस आप घर लौट जाइए और आप निश्चित तौर से जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में एक मजबूती ही कह सकते हैं कि हम कि जिस तरीके से बड़े ही जोर शोर से निरंजन राय मैदान में उतरे हुए थे, लगे हुए थे, दिन रात धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे थे और साथ में बाबूलाल मरांडी है वहां पे। जब इंडिया गठबंधन में माले ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का फ्रेंडली फाइट है माले के साथ, ऐसे में अब निरंजन राय के आवास पे हेमंता बिश्व शर्मा का पहुंचना यह साफ संकेत दे रहा है कि अब यह जो हवा है वो बाबूलाल मरांडी के लिए जो निर्दलीय हवा थी वो इनके पक्ष में आती हुई दिख रही है। श्रीकांत, ऐसे में अब क्या समीकरण बनता हुआ आपको नजर आ पा रहा है? धनवार सीट की अगर हम बात करें, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, निर्दलीय प्रत्याशी थे निरंजन राय, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बातें कह दी है, वहां पर मजबूती और नजर आ रही है बीजेपी की, अब समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है धनवार की विशेष सीट पर बात करें श्रीकांत? देखिए अभी हेमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हैं इनके घर पे, हमने निरंजन राय से अभी तक बात नहीं की है, लेकिन ये आप मान सकती हैं कि जब हेमंता बिश्व शर्मा जैसे बड़े नेता कार्यकर्ता के घर पहुंचते हैं तो इसका संकेत साफ हो सकता है। अब से कुछ देर बाद हम भी निरंजन राय से बात करेंगे और उनसे सीधा अपने चैनल के माध्यम से पूछेंगे कि आखिर निरंजन राय जो है वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन संकेत साफ है हेमंता बिश्व शर्मा अगर उनके आवास पे आए हैं मनाने आए हैं तो इसके कई संकेत हो सकते हैं पॉजिटिव और बाबूलाल मरांडी के लिए राहें जो है वो आसान हो जाएंगी, आगे का जो रास्ता जो था जो थोड़ी दूरी दिख रही थी वो दूरी अब कम होती हुई नजर आ रही है और बाबूलाल मरांडी जो कि बड़ा चेहरा है, पूर्व सीएम रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं धनबाद विधानसभा सीट से और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है, तो निश्चित तौर से भाजपा के लिए धनबाद में राह जो है वो आसान हो गई है। निरंजन राय अगर आके खुद ये ऐलान बाहर अब से कुछ ही देर में अगर जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हैं ये बातें तय मानी जा रही हैं, ये बातें जिस तरीके से हवाओं में तैर रही थी, लेकिन अब यह स्पष्ट माना जा रहा है कि अब निरंजन राय का समर्थन हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी के पक्ष में आ जाए तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद में काफी मजबूती मिलेगी। और अभी अंदर हेमंता बिश्व शर्मा, निरंजन राय और निशिकांत दुबे बंद कमरे में वो बातचीत हो रही है, बाहर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम मौजूद है और भीतर एक बंद कमरे में बातचीत हो रही है और निश्चित तौर से जब वो बाहर आएंगे तो किस तरीके से ये साफ संकेत है, लेकिन जो बातें खुलकर हैं कि अब बाबूलाल मरांडी के लिए धनवार की राह आसान हो गई है और निरंजन राय लगातार वो कहते रहे हैं कि वो हनुमान है बाबूलाल मरांडी के और शुरू से वो 15 साल से बाबूलाल मरांडी के लिए लगे हुए थे, वो अपने भाषणों में भी कहते थे, बाबूलाल मरांडी से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था जब वो नॉमिनेशन करने गए थे तो नॉमिनेशन के दौरान भी उन्होंने बाबूलाल मरांडी के पांव छुए थे और उन्होंने आशीर्वाद मांगा था और उन्होंने कहा था कि मैं उनका हनुमान हूं। हालांकि इस तरीके से ये चीजों को देखा जा रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया था, नामांकन के बाद धुआंधार प्रचार प्रसार में जुट गए थे और वो मानने को तैयार नहीं थे। पहले बार भी निशिकांत दुबे उनके घर आ चुके थे और उन्होंने साफ कहा था कि वो मैदान में जाएंगे, लेकिन आज चीजें बदली नजर आ रही है, माहौल बदला नजर आ रहा है, जिस तरीके से हुजूम है और जिस तरीके से जो निरंजन राय है वो एक तरीके से ये मान लिया जाए अब तक कि निरंजन राय अगर हेमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हैं तो अब ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर ये सारी बिल्कुल श्रीकांत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ संवाददाता रुचि भी शर्मा जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। राजदरबार की सीट कितनी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आप एक तरफ देखिए बीजेपी ने अपने चेहरे को स्पष्ट कर दिया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन INDIA की तरफ से फ्रेंडली फाइट सीट पर नजर आ रही थी। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय वे समर्थन देते हुए क्या नजर आ पाएंगे बीजेपी को, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक बंद कमरे में हेमंता बिश्व शर्मा, निशिकांत दुबे और निरंजन राय की बातचीत हो रही है। अपडेट्स लगातार हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।